जय श्री राम। आज हनुमानगढ़ी और हमारे बहुत प्यारे पूज्य बड़े भाई स्वरूप राजूदास जी महाराज, उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब हमने हिंदू की लाइन में कदम रखा था, तब से उनका अपनत्व, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर रहा है। और संतों के सामने ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, तो मैं कहूँगा गुरुवर को कि आप ही आशीर्वाद दें। वंदे मातरम, जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बड़े सौभाग्य की बात है कि सनातनी सेठ सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए एक पेंट वाला बाबा, ये भी बाबा है। ऐसा बाबा जिसके मन में, तन में सदैव राष्ट्र, सनातन संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व ही रहता है। और ऐसा शेर है महाराज, क्या पूछो। जैसे लंका में हनुमान जी जय श्री राम का नाम लेकर कूद पड़े, वैसे ही बेधर्मियों के बीच, पापियों के बीच, पापाचारियों के बीच, राक्षसों के बीच, राष्ट्रद्रोहियों के बीच, सनातन द्रोहियों के बीच कूद पड़ता है। चिंता नहीं करता है कि गोली लगेगा कि बम कि छर्रा, जिंदा रहेंगे कि मरेंगे, इसकी चिंता भाई उपदेश राणा कभी नहीं करता। सदैव निरंतर सनातन के लिए समर्पित रहता है। ऐसे भाई आज सिद्धपीठ हनुमान जी महाराज के चरण शरण में दर्शन करने आए, इनके लिए मंगल कामना करते हैं। और मैं निवेदन करता हूँ नौजवान साथियों से, नौजवान भाइयों से, जो चिकित्सा शिक्षा रोजी रोजगार के चक्कर में रातों दिन घूमते रहते हैं, लेकिन बंधु प्यारे भाइयों, राष्ट्र प्रथम रखो, धर्म प्रथम रखो। नौकरी बांग्लादेश में भी लोग कर रहे हैं, मारकर भगाए जा रहे हैं, इस्तीफा दिलाए जा रहे हैं, बड़े व्यवसाय जम्मू कश्मीर में भी हिंदू करते थे क्या, एक एक व्यक्ति के पास, राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा थे और वहां पर एक एक हजार बीघा खेती थी, बादाम की खेती, अखरोट की खेती, काजू की खेती, यहाँ तक कि भैया 4 लाख रुपए किलो केसर की खेती करते थे भैया। आज दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। धर्म से अनुराग नहीं रखोगे, राष्ट्र से प्यार नहीं रखोगे, राष्ट्र प्रथम नहीं रखोगे, धर्म प्रथम नहीं रखोगे, हिंदुस्तान से कहाँ जाओगे। दुनिया के कोने कोने से हिंदुस्तान में भाग के आते हो। इस साधु की जिम्मेदारी थोड़े ना, एक धर्म की रक्षा खाली साधु करेंगे। उपदेश राणा जैसे ही नौजवान खाली मरेगा, लात जूता खाएगा, डंडा खाएगा, पत्थर खाएगा, आतंकवादियों का धमकी सहेगा, कब पता बम लगा के उड़ा दे, कोई भरोसा तो है नहीं। चादर और फादर वाले बहुत दुगले होते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं होता है। जो अपने माँ बाप का नहीं हो, औरंगजेब अपने बाप को का किया पता है आपको, जेल में कैद खाने में रखा और अपने चारों भाइयों का सर काट के राज दरबार में लगा लिया। जो अपने बहन के साथ शादी करते हैं, अपने बहन के साथ ही, सनातन में संभव नहीं है लेकिन इस्लाम में संभव है। तो जो अपने माता पिता के ना हो, भाई बहन को हो, आपके और हमारे क्या हो सकते हैं। इसके नाते सनातनी भाइयों, कट्टर बनो। और उपदेश राणा जैसे मित्र साथी भाई जो सनातन के लिए कार्य करते हैं, ऐसे ही आप लोग बढ़कर राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए कार्य करो। वंदे मातरम, जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हिंदू राष्ट्र की जय। मंगल कामना। आपने ट्रेलर देखा होगा अयोध्या की, तो झांकी है, काशी बाकी है, अब नहीं 3, अब लेंगे 30,000। पूरे हिंदुस्तान में एक भी आक्रांता, आक्रमणकारी, खरियनकारी, चोर, नीच, लुटेरा, व्यभिचारी का एक भी मजार नहीं बचेगा। जय जय श्री राम।